श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 500 वर्षों से अधिक चले संघर्ष और उसमें अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले राम भक्तों की एक लंबी श्रृंखला रही है। आइए जानते हैं 50 के दशक में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष के प्रमुख चेहरों के बारे में, जिनका स्मरण किए बिना यह संघर्ष गाथा अधूरी है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष के प्रमुख चेहरे। पूज्य संत अभिराम दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या। दरभंगा बिहार के रहने वाले रामानंद संप्रदाय के इन नागा वैरागी का संबंध निर्वाणी अखाड़े से था। वे कुश्ती लड़ते थे और हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। उन्हें राम जन्मभूमि का उद्धारक बाबा कहा जाता है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात विवादित स्थल पर जब रामलला प्रकट हुए, तब भगवान के बाल स्वरूप के पहले दर्शन करने वाले संतों में अभिराम दास और हनुमान प्रसाद पोद्दार भी शामिल थे। कृष्ण करुणाकर नायर, के नायर। केरल के अलप्पी निवासी कृष्ण करुणाकर नायर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने। 23 दिसंबर 1949 को जब रामलला की मूर्तियां श्री राम जन्मभूमि स्थल पर प्रकट होने का ईश्वरीय चमत्कार हुआ, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलला की प्रतिमा को हटाने का आदेश दे दिया। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई, साथ ही परिसर में ताला बंद कर मुस्लिम पक्ष को वहां जाने से रोक दिया। जब नेहरू ने दोबारा मूर्तियां हटाने को कहा, तो के नायर ने सरकार को लिखा, मूर्तियां हटाने से पहले मुझे हटाया जाए। तब देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार इस फैसले से पीछे हट गई। परम पूज्य देवराहा बाबा। भारतीय संत परंपरा के अलौकिक सिद्ध संत महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में पारंगत बाबा कहां से आए, कब जन्म हुआ, उनका जीवन आज तक लोगों के बीच रहस्य है। बाबा परम राम भक्त थे। सरयू और गंगा के किनारे मचान पर रहते थे। देश विदेश की नामी हस्तियां बाबा की भक्त थी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी बाबा का आशीर्वाद लेने जाते थे। जनवरी 1984 में इलाहाबाद कुंभ के मौके पर उस धर्म संसद की अध्यक्षता बाबा ने ही की थी, जिसमें राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर 1989 तय हुई थी। शिलान्यास के गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा से मिलने गए। देवराहा बाबा ने राजीव गांधी से कहा, बच्चा हो जाने दो, और इसके बाद से ही श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और तीव्र होने लगा। महंत रामचंद्र दास परमहंस। महंत रामचंद्र दास परमहंस अयोध्या आंदोलन के ऐसे संत हैं जो मूर्तियां प्रकट होने से लेकर ढांचा ढहाए जाने तक की घटनाओं के साक्षी रहे हैं। सन 1934 में वे इस आंदोलन से जुड़े और सन 1989 में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने। 1 जनवरी 1950 को विवादित स्थल पर मालिकाना हक और पूजा पाठ के अधिकार को लेकर उन्होंने फैजाबाद की अदालत में मुकदमा भी दायर किया था। अप्रैल 1984 में नई दिल्ली में हुई पहली धर्म संसद में परमहंस रामचंद्र दास की अध्यक्षता में ही श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। सन 1985 में उन्होंने घोषणा की थी कि ताला नहीं खुला तो वे आत्मदाह करेंगे। सन 1990 कार सेवा में कार सेवकों के जिस जत्थे पर गोली चली, उसका नेतृत्व भी परमहंस ही कर रहे थे। महंत अवेद्यनाथ। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जन्मे कृपाल सिंह बिष्ट 1940 में अवेद्यनाथ बन गए। 1942 में दिग्विजय नाथ के उत्तराधिकारी नियुक्त हुए, तो 1969 में गोरक्षनाथ पीठ के शीर्ष गद्दी पर बैठे। वे मंदिर निर्माण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी रहे।
6 दिसंबर 1992 के ध्वंस के मुख्य आरोपियों में महंत अवैद्यनाथ भी रहे। महंत अवैद्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष थे। विवाद के हल के लिए सरकारों से सबसे ज्यादा बातचीत करने वालों में वे एक थे। स्वतंत्रता के उपरांत श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हुए इस आंदोलन ने करोड़ों राम भक्तों की सहभागिता से इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और अनुशासित जन आंदोलन बना दिया। सदियों से राम भक्तों के भागीरथ प्रयास से ही अयोध्या में आराध्य प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने का स्वप्न साकार हो सका है। राम राम सीता राम राम सीता।